ये देखो पायल ने तो पूरा खत्म कर लिया। इतनी जोर से भूख लगी थी, पूरा खा गई सारा का सारा। अभी मेरे आज हम लोग चंडीगढ़ के सिंह शहीदा गुरुद्वारे में आए हुए हैं और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है पायल। मिल लो सारे लोग इससे। हेलो। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो अभी हम लोग एंट्रिंग कर रहे हैं यहाँ से। इसका जो मेन गेट है वो बन रहा है, तो आप लोग भी जब आओगे तो आप लोगों को यहाँ से ही एंटर करना होगा। ये देखिए हम लोग मेन गेट पे आ गए हैं और आप जैसे आओगे ना तो आपको ये सर ढक के आना पड़ेगा। मैंने भी देखो, पायल ने भी ढका हुआ है, ये हम दोनों ने यहाँ से सर ढका हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेन गेट से होते हुए। ये देखिए पूरा ये यहाँ से जो रास्ता गया है यहाँ से ही हम लोग, चलो पायल चलते हैं। देखिए जैसे कि हर गुरुद्वारे में जलाशय होता है, यहाँ पे भी है ये। और ये जो गुरुद्वारा है सिंह शहीद साहेब का, उसमें ही हम लोग जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हूँ। हाय पायल, हाय करना, हाय। चलो ये देखिए हम लोग अभी एंटर कर रहे हुए हैं गुरुद्वारे के अंदर। और आप आओगे ना तो आपको ऐसे कीर्तन सुनाई देने लग जाएंगे। ये पूरा व्यू देख सकते हो। ये है गुरुद्वारे का जोड़ा घर, जहाँ पे शूज जमा होते हैं, यहाँ सेवा करते हैं लोग, आपके शूज रखते हैं। ये देखिए हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं गुरुद्वारे में। आप जब भी गुरुद्वारे में जाओगे ना आपको ये ऐसे ठंडा ठंडा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। मैं पता है जब भी गुरुद्वारा जाती हूँ तो मतलब मैं जब पहली बार गई हुई थी तो इंदौर में गई हुई थी। और अब पता है जब भी मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ तो मुझे एक शांति, एक सुकून का अनुभव होता है। अब जब कभी भी गुरुद्वारे जाओगे ना तो आपको अंदर से एक बहुत ज़्यादा स्प्रिटफुल पॉजिटिव वाइब्स का एक फील आएगा, एक सुकून, एक शांति से सब कुछ ना, एक वो होता है ना अमन चैन वाली फील आएगी। मुझे अक्सर आती है मैं जब भी गुरुद्वारे में जाती हूँ। अभी देखो हम ये गुरुद्वारे में एंटर हो गए हैं और ये पूरा जो चंडीगढ़ में सिंह शहीद साहिब का जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का जो व्यू है, आप लोग जाओगे ना आपको बहुत प्यारा लगेगा। मतलब कभी भी गुरुद्वारे में जाए तो अमन चैन वाला फील आता है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप सभी ना अपने फैमिली के साथ इसको विज़िट करना। मैं तो अभी गई हूँ, इसको विज़िट करके आई हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी जाना है, इसको विज़िट करके आना। ये कैसा है, बहुत 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 अच्छा आपको लगने वाला है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे अरदास शुरू होने वाली है, तो चलिए हम अरदास सुनते हैं। ਅਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਪੀਆਂ ਕੱਪੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਵੰਡ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਾਈ ਦੇਖ ਬਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਕ ਕੀਤਾ ਅਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਰਨੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਾ ਸਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਿਤਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰ ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਗੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਜਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਅਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਪੀਆਂ ਕੱਪੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਵੰਡ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਾਈ ਦੇਖ ਬਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਕ ਕੀਤਾ ਅਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਰਨੀ ਮਾਈ ਦਾ ਅਰਜਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਦੇਖ
अभी अरदास हो गई है, अभी अरदास के बाद प्रसाद वितरण होगा। अब सभी लोग प्रसाद, पता है गुरुद्वारे का प्रसाद बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। जो हलवा वहाँ पे मिलता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव इट। ये देखो पायल ने तो पूरा ख़त्म कर लिया, इतनी ज़ोर से भूख लगी थी, पूरा खा गई सारा का सारा। अभी मेरे पे नहीं आता इसकी, अभी मैं खा रही हूँ। ये देखो हम लोग जा रहे हैं, अब ये नहीं पता ये पायल मुझे कहाँ लेके जा रही है, बट ले जा रही है। आपको रास्तों से पता चल रहा होगा कहाँ लेके जा रही है ये मुझे। वैसे सरप्राइज़ है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ऐसी जगह जा रहे हैं जो सब करते हैं, अभी क्या करते हैं वो नहीं बताएंगे हम। ये थोड़ा सा देख लो आप, यहाँ देखो इसको इतनी भूख लगी है कि आधा लड्डू खाने के बाद इसमें अब बनाई जा रही है। तो यहाँ पे हमारा गुरुद्वारा विजिट फिनिश होता है। तो आप सभी लोग जब भी चंडीगढ़ आएँ तो ये गुरुद्वारा ज़रूर जाएँ। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अमन चैन वाला जो फील है वो ज़रूर आएगा। और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और जो भी है आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो मुझे टाइम स्टैम के साथ कमेंट कीजिएगा। दैट्स ऑल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, लिव हैप्पी।